सेटिस्फाइड क्यों क्या होता है सी इट्स नॉट इट्स माय फर्स्ट फिल्म इन बॉलीवुड आई बीन वेल अप्रिशिएटेड ही इज माय को-स्टार रवि किशन एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नाउ रिलीज तो हो गया है बिहार में तो इनके इनके नाम से धूम मचा रहे इज रॉकिंग और तमिलनाडु में इनके नाम से शो अभी शाम का उठ गया तो बिग टाइम शीज और इनका तुमको मुबारकबाद देना चाहता हूँ फैंस और ऑडियंस रियली लविंग यू तुम्हारी एक्टिंग की बहुत तारीफ हो रही है और वेल हमारा स्वागत है आप रोल देखोगे ना आप कभी नहीं भूलोगे जूली में ही इज प्लेइंग अ सुपरस्टार व्हिच ही इज इन द फिल्म आल्सो इज प्लेइंग अ साउथ सुपरस्टार सो काफ़ी लोगों को वो पसंद आया सी देयर लॉट ऑफ एंगल्स इन द फिल्म तो लोगों को थोड़ा वक्त देना पड़ता है यू कांट सडनली गो यहाँ पे क्या होता है ना सब लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो सेकंड शो में सब लोग रिव्यू देने लगते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स टू मी इज अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड वी नीड टू वेट एंड सी वेयर दिस इज आई एम गिविंग ऑनेस्ट गाइस आई एम नॉट बीइंग मैं ऐसे कुछ चढ़ा वड़ा के नहीं बोल रही हूँ बट इट्स अ वेरी नाइस फिल्म दैट फॉर मास एंड फॉर अदर पीपल फैमिली भी आके देख सकते हैं क्योंकि ये एरोटिक फिल्म नहीं है हाँ लोग मसाला ढूंढने के लिए बहुत गए थे मसाला नहीं मिला एक कहानी है एक एक इंडस्ट्री की डार्कनेस या सच कहो या हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसा यू नो इट्स नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री बट मैंने बाहर की दुनिया में भी देखा तो कहीं ना कहीं यू नो वो सच्चाइयों को छूती है और हैट्स ऑफ टू हर शी इज़ रियली वर्कड वेरी हार्ड और आज इन पूरी तारीफ है और मुझे लगता है कल से इसको और अप्रिशिएशन मिलेगा सब लोग ये जो देख सेक्स देखने गए थे थैंक गॉड कि वो उनको नहीं मिला और कहानी मिली तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट रहा एंड ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया लक्ष्मी यू नो एज एन एक्टर पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू सी दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हर फिल्म पब्लिक के हाथ में होती है हिट भी हो सकता है फ्लॉप भी हो सकता है हम लोग तो कोशिश करते हैं कि ये अच्छी फिल्म दे अ लॉट ऑफ टेक्निकली भी बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग तो अपनी एटलीस्ट हमारा काम जब अप्रिशिएट करते तो हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे और करना है सो वो मेरे साथ अभी हुआ है सो इट हैज़ बीन अ रियली ओपनिंग बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए एंड आई एम हैप्पी दैट इतना सपोर्ट और इतना प्यार मुझे मिल रहा है बॉलीवुड से जो मैं नहीं हूँ यहाँ पे फिर भी मैं इट्स माय 50th फिल्म तो देखते हैं आगे जाके और रुक के देखते हैं फाइनली जूली 2 हैज बीन रिलीज एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स आई माइट डू वेरी सून अ बॉलीवुड फिल्म व्हिच आई एम इन टॉकिंग टर्म्स उसके बाद अभी दो साउथ फिल्म्स मैंने शुरू कर दिया क्योंकि जूली की वजह से मैंने दो साल कुछ काम नहीं किया था तो यस देयर हैज बीन अ सैक्रिफाइस एंड आई हैव रीस्टार्टेड इट सो अभी वापस आई विल बी बैक back to the flow of films.